चलिए अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां अमित शाह अब छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। बस्तर संभाग पर भाजपा की नजर, जगदलपुर की 3 विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रचार प्रसार प्रसार के लिए अमित शाह का दौरा लगातार देखा जा रहा है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ की ओर अपना रुख कर रहे हैं। चुनाव है कुछ ही दिनों में, ऐसे में काफी ज्यादा मेहनत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं द्वारा भी की जा रही है। बीते दिनों भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है बीजेपी के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो एक बार फिर अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर संभाग पर इस बार उनकी नजर है। 3 विधानसभाओं में सभा करेंगे, 3 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का मूल मंत्र देंगे और पार्टी के साथ खड़े रहने की अपील भी करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा 2018 में जिस प्रकार से परिणाम आए थे, बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जो है मुश्किल सिचुएशन थी और कांग्रेस को हराना है इस बार, जैसे कि अमित शाह भी कहते हैं अपने हर दौरे में, और बीजेपी को फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में लाना है। तो उसी को लेकर जो है अमित शाह का दौरा रहेगा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जो है अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। जगदलपुर की 3 विधानसभा सीटों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, बीते दिनों भी हमने देखा कि उनका दौरा था और जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में आ गए। बीरनपुर का उन्होंने जिक्र किया था अपने चुनावी भाषण में, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की मुसीबतें भी बढ़ गई। लेकिन अब फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। सोमवार को आए थे अमित शाह छत्तीसगढ़ और अब आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की ओर रुख करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, नंदलाल हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और ज्यादा सक्रिय होता यहाँ पर नजर आ रहा है। सोमवार के बाद अब फिर से एक बार अमित शाह का दौरा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो है सीटों का जो है यहाँ पर लगातार दौरा देखने को मिल रहा है और जो है आज लाल बाग मैदान जो कि जगदलपुर पर स्थित है, वहाँ पर इनका जो है आयोजन कार्यक्रम किया गया है, जिससे आज जो है दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर 12 बजे लगभग पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो जो है लाल बाग मैदान की ओर जाएंगे। और देखा जाए तो ये बस्तर को साधने का प्रयास लगातार किसी भी अगर राजनीतिक दल की बात करें वो करते हैं, और साथ में कहा जाता है यहाँ कि अगर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो बस्तर के पास चाबी होती है उसकी, क्योंकि बस्तर की जो 12 सीटें होती हैं उन 12 सीटों पर जो है पैनी नजर बनाए रहते हैं कोई भी पार्टी। अगर देखा जाए तो फिलहाल में तो कांग्रेस अपनी कब्जा जो है बनाई हुई है इन 12 सीटों पर, और वही बात करें अगर भाजपा की तो एक भी सीट वहां पर नहीं है। लेकिन भाजपा ने काफी मंथन किया था कि कांग्रेस की जो 12 वर्तमान विधायक हैं उसको किस प्रकार से जो है हराया जाए, तो ये मंथन करने के बाद भी 8 नए चेहरे को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है दिया है स्थान, और 4 वही बात करें तो जो है पुराने चेहरों पर। कुल मिलाकर नंदलाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है अमित शाह का, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि बस्तर की सीटों पर इस बार बीजेपी की नजर है, और जैसा कि गृहमंत्री भी कहते हैं कि कांग्रेस को हराना है और बीजेपी को एक बार फिर लाना है, तो देखना खास होगा कि उनकी जो मेहनत है कितनी रंग लाती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।